हरी गाड़ी चली गई। हेलो गाइस, माय नेम इज मयंक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ हिंदुस्तानी। मैं नोएडा में हूँ और यह है मेरी इग्निस जिसको मैं खुद ओन करता हूँ और इसको अभी करीब ओन करते हुए मुझे 2 साल हो गए। ये इग्निस की जीटा मॉडल है, 1.2 पेट्रोल मैनुअल, जिसको चलाते हुए मैंने बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस किए। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सच बता दूँ, कभी भी अशेम्ड नहीं होना पड़ेगा अगर आप इस गाड़ी को लेते हो। कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि कभी धोखा ही नहीं देगी। इस बीच आप ध्यान दोगे तो कार की कंपनी ज़्यादातर सेफ्टी पर ध्यान दे रही, टाटा इसमें बहुत आगे, महिंद्रा बहुत आगे, और भी कार बहुत आगे, हुंडई भी इससे अच्छी होगी, मानता हूँ बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, बट द पर्सन हु हैज़ ड्राइविंग स्किल्स, आई एम प्रीटी श्योर उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्वियसली टच तो गाड़ियाँ हो ही जाती है, मेरे से भी कई बार टच हुई, मैं उस ड्राइविंग स्किल्स की बात कर रहा हूँ जिसमें लोग ड्राइवर्स जो होते हैं किसी एक्सीडेंटल प्रोन सिचुएशंस में वो घबराते नहीं हैं, लेकिन वो अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं। उस ड्राइविंग स्किल्स को मैंने टेस्ट किया है अपने, जो भी मैंने मैकेनिज्म सीखा है क्लच ब्रेक एक्सेलेरेटर का, मैंने उसको अप्लाई किया, एग्जामिन किया कि हाँ दिस कुड बी द स्टैंडर्ड वे ऑफ यूजिंग ऑल दी। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रहा है मेरी स्पीति ट्रिप। इससे पहले भी मैंने, जब मेरी कार आई तो उसके एक हफ्ते बाद ही मैं नैनीताल ट्रिप पे निकल गया था, जिसमें मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन थी नैनीताल, लेकिन फिर भी हम लोग कौसानी वहाँ से 150 किलोमीटर आगे गए एंड दिस कार वॉज एक्सेप्शनली परफॉर्मिंग ऑन दिस यू नो हाई हिल्स। मैं वहाँ से मुक्तेश्वर भी गया, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता था मेरे लिए तो ऑफकोर्स, क्योंकि मैं पहली बार कार को ड्राइव करके ऐसे कठिन रास्ते पे गया विद माय वाइफ, मैन काफ़ी जिगरा था, मैं निकल गया और मैंने कर दिया। उसके बाद मैं स्पीति ट्रिप अभी लेटेस्ट में गया, उससे पहले धनौल्टी ट्रिप भी गया, तो दीज आर द ट्रिप जो मैंने इस पर परफॉर्म की है और मुझे काफ़ी भरोसा हो गया है, क्योंकि इसकी ब्रेकिंग अच्छी है, इसकी बॉडी जो वेट है वो अच्छा है, तो किसी प्रॉब्लम में फंसती भी नहीं है। माइलेज की बात करूँ तो माइलेज जो दिखाता है वो 14.8 to 15-16 दिखा देता है, सिटी में कभी कभी 16 दिखा देता है। वंस यू आर ऑन हाईवे एंड क्रूजिंग ऑन अप टू 100 जितना मैंने किया, 18 अबव एसी के साथ, 20 का भी टच कर सकती है अगर बहुत लंबे टाइम पे जा रहे हो। जैसे मैं कई बार दिल्ली से प्रयागराज तो बहुत बार किया है, प्रयागराज से मेरी लगभग सारी ट्रिप रही, इवन स्पीति वैली भी। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर प्लेलिस्ट बनी हुई मेरे चैनल पे, आप जाके देखना। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो आप सब स्पेसिफिकेशन और बहुत सारे चैनल्स पे है, आप जाकर देख सकते हो, उसको सर्टिफाई कर सकते हो। इसकी लुक पे बहुत सारे लोग जाते हैं कि ये लुक अच्छी होगी या नहीं होगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेसी होता है, लेकिन फ्रंट से मुझे अच्छी लगती है और मानो अंदर से स्पेशियस भी है। चार लोग को बहुत अच्छे से अकोमोडेट करती है। बहुत सारी ट्रिप्स हम लोग की और आ ही रही है, आपको पता है स्पीति ट्रिप अच्छी गई हम लोग की, बहुत सक्सेसफुल, और सारे ब्लॉग्स बचे हुए हैं। एक ब्लॉग हमारा स्पीति ट्रिप का मैनेजमेंट का होना है कि कैसे हम लोगों ने कितना खर्चा किया पूरी ट्रिप पे, एक कार को लेकर 2 फ्रेंड गए हैं, पूरा सामान क्या क्या लेना पड़ा, उसके लिए बहुत जल्दी ब्लॉग निकालेंगे, पर अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस एक ओवरव्यू बताया, बाकी डीप डिटेल्स आपको जरूर बहुत सारे जो वैलिड सर्टिफाइड लग रही है, जो मुझे लग रही है हाँ सच में उस बंदे ने अच्छा रिव्यू किया, मैं उसका लिंक जरूर डालूंगा ताकि ये वेस्ट ऑफ कंटेंट भी ना रहे। तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में कि कौन सी PPF किस जगह पे किस क्वालिटी की करानी चाहिए, व्हाट शुड बी द ग्रेड, कितना रुपए आएगा, कुछ बजट का प्लान प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें। गुड बाय यार, ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर ऑल, टेक केयर, प्लीज़ गो फॉर द सब्सक्राइब बटन।